सुबह दूध में क्या मिलाकर पीना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, अगर आप सुबह में दूध पीना पसंद करते हैं तो आपको क्या मिलाकर सुबह में पीना चाहिए, ये आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। बादाम। बादाम पोषक तत्वों का खजाना होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और विटामिन ई आदि पाए जाते हैं। बादाम का दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होने के साथ इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। दूध को बादाम में मिलाकर पीने के लिए रात को 4 से 5 बादाम भिगो कर रख दें। सुबह छिलके उतार कर बादाम को दरदरा पीस लें। जब दूध को गर्म होने पर रख दें आप, तो ये पीसे हुए बादाम दूध में डाल दें और दूध को 4 से 5 मिनट तक उबलने दें। उसके बाद इस दूध को पिए। इलायची पाउडर। इलायची शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दूध में इसे मिलाकर पीने से पाचन तंत्र मजबूत होने के साथ एनीमिया से भी शरीर का बचाव होता है। इलायची का दूध बनाने के लिए दूध को गैस पर गर्म होने के लिए रखें। उसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालकर दूध को 1 से 2 मिनट के लिए उबलने दें। दूध को गुनगुना होने पर पिए, मतलब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप उसे पी सकते हैं। शहद। शहद दूध में मिलाकर पीने से शरीर की कई परेशानियां आसानी से दूर होती है। शहद में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और विटामिन सी आदि पाए जाते हैं। इसको पीने से एनर्जी बूस्ट होने के साथ शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। सुबह दूध में शहद मिलाकर पीने से मूड भी फ्रेश रहता है। गुड़। गुड़ शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सुबह में दूध में गुड़ मिलाकर पीने से मांसपेशियां मजबूत होती है और शरीर भी हेल्दी रहता है। दूध में गुड़ मिलाकर पीने से त्वचा भी हेल्दी रहती है। दूध में गुड़ डालकर पीने से दूध का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है। हल्दी। हल्दी वाला दूध शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सुबह दूध में हल्दी मिलाकर पीने से शरीर की कई समस्या आसानी से दूर होती है। अगर सुबह उठकर आपके शरीर में अकड़न की समस्या है तो दूध में हल्दी मिलाकर पी जा सकती है। ये शरीर को लंबे समय तक गर्म रखती है और मौसमी बीमारियों से भी शरीर का बचाव करती है।